दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी और लूटपाट करने वाले लिफाफा गैंग के 3 सक्रिय गिरोह का फंडाफोड़ करते हुए 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग कीमती सामान लेकर सफर कर रही सवारियों को लिफ्ट देकर चुटकी में अपना शिकार बना लेते थे। गिरोह के सदस्य दिल्ली पुलिस का लोगो लगा मास्क पहनते थे, साथ ही अपनी कार में पुलिस कर्मियों की तरह वॉकी टॉकी लेकर चलते थे, जिससे सवारियों को लगे कि वो पुलिस विभाग से ही हैं। फिर चेकिंग और सुरक्षा के नाम पर ये उनका सामान एक लिफाफे में रखवा लेते थे और धोखे से उसे बदलकर सवारियों को उतार देते थे। लूट की शिकायतों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरोह के 3 सदस्यों को उस वक्त धर दबोचा जब ये कार के जरिए आरकेपुरम के फ्रूट मार्केट के नजदीक आए हुए थे। बाद में उनकी निशानदेही पर त्रिलोकपुरी इलाके में दबिश देकर गिरोह के 5 अन्य सदस्यों को भी धर दबोचा गया। किसी भी मासूम आदमी को जो इनको लगे इतना टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है, उसको सबसे पहले ये स्पॉट करते थे किसी बस स्टैंड पे। वहाँ पे उस आदमी के साथ में 1 या 2 इनका मेंबर रहता था जो कि उस आदमी को स्पॉट कर लिया करता था। उसके बाद में एक कोई गाड़ी आया करती थी टैक्सी, जब वो आदमी टैक्सी में बैठ जाया करता था तो उसके बाद में जो आगे बैठे 2 आदमी होते थे उनके पास में वॉकी टॉकी सेट रहते थे और उसमें वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस चलाते थे, ऑडियो क्लिप्स। इसके बाद में उनके पास में दिल्ली पुलिस के फेस मास्क भी रहते थे कोरोना से बचने के लिए, तो एक तरह की ऑथेंटिसिटी विक्टिम्स के माइंड में आ जाती थी कि ये पुलिस का ही स्टाफ है। और उसके बाद में वो उनको बोलते थे कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप अपना पैसा, अपना जो भी ज्वेलरी है और आपका जो ATM कार्ड है और आपके मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो इस लिफाफे में डाल दीजिए जो हम आपको दे रहे हैं। वो लिफाफा वो लोग ले करके अपने गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में डाल दिया करते थे और जहाँ पे भी उसको ड्रॉप करना होता था उसको उतार के एक दूसरा लिफाफा उनको दे देते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से दिल्ली पुलिस के लोगो लगे मास्क, वॉकी टॉकी, सवारियों से लूटे गए आभूषण, 8 मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, लिफाफे सहित वारदात में इस्तेमाल 3 कार भी बरामद कर लिए हैं।